इस बार सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर तीन बच्चे हैं जो जजेस हैं, जो फूड को जज करेंगे. तो जो भी सेलिब्रिटीज़ आएंगे और खाना बनाएंगे, सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे तो वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ एक कंपेनियन होगा, उनकी माँ होगी या कोई दोस्त होगा या कोई भाभी होगी, जो भी रिश्तेदार होगा, या बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, जो वो मिलके खाना बनाएंगे और आपस में कम्पीट करेंगे. और जब खाना रेडी हो जाएगा, दो तीन डिशेस बनाएंगे, इनफैक्ट नाश्ते में क्या, खाने का भी, और डिज़र्ट भी बना सकते हैं. सो अलग अलग चीज़ें बनाएंगे और बच्चों को टेस्ट कराया जाएगा और वो डिसाइड करेंगे कि किचन चैम्पियन कौन बनेगा. तो वो जज करेंगे और बच्चों का ओपिनियन बहुत ऑनेस्ट होता है. मैं कोई खाना वाना बनाती नहीं, लेट्स बी वेरी फ्रैंक. मैं खाना क्या खाना ये ऑर्डर देने में बिलीव करी हूँ. और आई एम द लाइक वर्स्ट किड. मुझे मेरी माँ को मैंने ऐसे कभी नहीं होगा कि आप आराम करिए और मैं बनाऊँ. बट आई थिंक आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर माई सेल्फ इन किचन चैम्पियन दिस टाइम आई बिलीव. कुछ नहीं, बच्चों के जज करें सीधा मुँह पे. मैं बोल रहा हूँ मुफट, मुफट जिसे कहते हैं ना, मतलब खाया, छी ये क्या बनाया, या वाओ ये बहुत यम्मी. इट्स इंस्टेंट रिएक्शन यू नो, बिकॉज वो लोग वो सब एक्सप्रेशन नहीं दे रहे आपको, यू नो अच्छा है पर इसमें थोड़ा ये कम है वो कम है, उनको ये सब समझ नहीं आता. बट दे जस्ट नो वेदर इट्स टेस्टी और इट्स नॉट टेस्टी, कम टेस्टी ज़्यादा टेस्टी. सो दैट्स व्हाट मेक्स दिस शो यूनिक. मैं होपफुल हूँ कि पारुल हनिका जो है मेरी सिस्टर, वो मेरी पूरी हेल्प करेगी और बच्चों को मैं इम्प्रेस कर पाऊंगी. ऑल द बच्चे बहुत टफ, मुझे नहीं पता था कि ये बच्चे ऐसे हैं, बहुत डिफिकल्ट है उनको इम्प्रेस करना. ये बच्चे एक्चुअली बहुत अच्छे हैं. चलो देखते हैं शो चालू होने दीजिए एंड प्लीज वॉच दिस शो एंड आल्सो गिव 1:30 आफ्टरनून में आफ्टरनून शो एंड आल्सो गिव फीडबैक, क्योंकि आपके फीडबैक सब मिलते हैं हमें.